उन्होंने माफी मांगी है क्या कहा? देखिए उन्होंने जो बात कही और खुले में इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया जी से माफी मांगी, नैतिक रूप से जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि मैं सीएलपी का लीडर हूँ, मुख्यमंत्री वो प्रस्ताव पारित हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने ऐसा साहस नहीं दिखाया, किसी पार्टी के किसी नेता ने नैतिक रूप से इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का कभी साहस नहीं दिखाया। मैं ये मानता हूं मुख्यमंत्री जी ने नैतिकता, आस्था और निष्ठा के उच्चतम आयामों को छुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इतना बड़ा साहस दिखाया है, शायद देश के इतिहास में पहली बार इस स्तर के आदमी ने, इस स्तर के नेता ने कोई माफीनामे की बात कही। ये पूरे देश के राजनीतिक क्षेत्रों के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए एक मिसाल के तौर पर, मैं ये भी मानता हूं कि उनका ये कदम हम कांग्रेस राजस्थान के कांग्रेस जनों का मान को बढ़ाने वाला है, अनुकरणीय है। और ये समझना चाहिए कि हम अपने आत्मा के साथ न्याय करें, जो हमारी आत्मा कहती है वो हमें करना चाहिए। उन्होंने कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी, उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन नैतिक रूप से उन्होंने जिम्मेदारी ली, मैं उन्हें साधुवाद। लेकिन सर इस घटना के बाद तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो सारा उनका हाईकमान के बीच हुआ। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने हमारे सामने हमको एक इतनी बड़ी सीख हमको दी है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हाईकमान के सामने जो है वो एक हैसियत वाला है, लेकिन सबसे बड़ी हैसियत हाईकमान। थैंक यू।